गाली ले जाओ गाली। आप लगातार तीनों लोग मिलके गाली 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 दे रहे, हमने क्या बोला, हमने बात सर क्यों ले जा रहे थे गाली। पुलिस के पैरों के बीच युवक की गर्दन, रहम की भीख मांगता युवक, यह तस्वीरें देखकर आप समझ गए होंगे कि यह जनता की रक्षा करने के लिए पुलिस, देखिए कैसे एक युवक को अपने पैरों के बीच दबोच रखा है। सब इंस्पेक्टर ने जैसे मानो कि इस लड़के ने बहुत बड़ा गुनाह किया हो। आपको बताते चलें कि युवक का कसूर सिर्फ इतना ही था कि युवक ने हेलमेट और मास्क नहीं पहना था। अब इतने बड़े गुनाह को कैसे माफ कर देते सब इंस्पेक्टर। लड़के के साथ पुलिस ने अभद्रता की, पिटाई की, काफ़ी देर तक पैरों के बीच जकड़े रखा। ये घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ के सेवई इलाके में तैनात सब इंस्पेक्टर संजय शुक्ला अपनी पुलिस टीम के साथ शाम को चेकिंग कर रहे थे। इसी के बीच बाइक सवार युवक वहां से गुजरा। युवक ने हेलमेट और मास्क नहीं पहन रखा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया, जबकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस ने युवक की पिटाई की। युवक की पहचान गुसाईगंज के वंश प्रताप सिंह के रूप में हुई। जब ये पुलिसकर्मी युवक के साथ अभद्रता कर रहे थे, तब किसी ने इस करतूत का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ कार्रवाई का। तो बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने इस वीडियो देखी तो पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इस पूरे मामले की जांच की गई तो जांच में पुलिस कर्मी दोषी पाए गए थे, क्योंकि सबसे बड़ा सबूत ये वीडियो था। इसलिए सब इंस्पेक्टर संजय शुक्ला, कांस्टेबल दिनेश और राजेश को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सवाल बस यही उठता है कि पुलिस का इस तरह का व्यवहार क्या सही था। माना कि लड़के की गलती थी, लेकिन पुलिस को इस तरह का व्यवहार करने का किसने अधिकार दिया? अगर युवक की गलती थी तो पुलिस कार्रवाई करती, ना कि युवक के साथ अभद्रता। और कोई तो नहीं कहा कि हमने गाली दिया, हमने मारा सर, गाली तो दी है।